आइए गाइस, इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि नील गाय छोटे छोटे बच्चों से भी कितने डर जाते हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि बहुत खतरनाक जानवर है, बहुत खतरनाक, लेकिन आप यहाँ देखो ये बहुत सारे नील गाय एक साइड दौड़ रहे हैं, तेज रनिंग कर रहे हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं ये दिखाता हूँ आपको। पहले तो ये देखो आपकी, ये सारे के सारे दौड़ते 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 एक जगह जाके एकदम सारे एक झुंड में खड़े हो जाएंगे। यहाँ देखो, अब इनमें से एक वापस दौड़ेगा, वापस जिधर से आए थे एक वापस वहीं चला जाएगा दौड़ के। चलो उसको देखते हैं, पहले दिखाता हूँ मैं कितने छोटे से बच्चे से डर के दौड़े। देखो ये वापस चली गई, वापस जहाँ से आ रहे थे दौड़ के वहीं जा रही है। क्यों जा रही है देखो, बड़ा नील गाय भी है। चलो देखते हैं, ये यहाँ जाके एक साथ खड़ी रह जाती है। अब मैं उस बच्चे के पास लेके चलता हूँ। कुछ नील गाय खड़ी है यहाँ पर, और साइड में ये छोटा सा बच्चा देखो यहाँ पर, ये छोटा सा बच्चा जोर जोर से आवाज़ निकाल रहा है, उसकी वजह से डर के ये सारी नील गाय। दोस्तों अब देखो दौड़ भी रहा है बच्चा, थोड़ा कैमरा साइड में आ गया, देखो वो दौड़ भी रहा है बच्चा, और उसके बाद में सारी की सारी नील गाय इस छोटे से बच्चे से डर के एक साथ झुंडों में इकट्ठी हो जाती हैं और दौड़ जाती हैं इधर से उधर। तो दोस्तों नील गाय खतरनाक तो है जो नर होता है बड़ा, लेकिन ये जो मादा है ना, ये जो मादा बहुत ही डरपोक और बहुत ही सीधा साधा सा जानवर है। हाँ, हजारों में लाखों में एक आध ऐसे होते हैं जो इंसान के लिए खतरा बन जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल घरों के आसपास आके चरते रहते हैं छोटे छोटे पौधों को। अब इस समय गर्मी के मौसम में इनको बिल्कुल भी कहीं कुछ नहीं मिलता, तो ये आराम से आते हैं, लेकिन इंसान से बहुत ज़्यादा डरने वाला जानवर है और कहीं भी सर्वाइव कर सकता है। ये ऐसा जानवर है जो कहीं भी, यानी कि पानी अगर इसको पूरे पूरे दिन नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है इसको। हाँ, वो एक अलग बात है, पानी की तलाश में ये गांव में अंदर आ जाते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ यार, मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।